हाय गाइज, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज ड्रैग रेस करेंगे नेक्सोन ईवी मैक्स वर्सेस स्कोडा रैपिड, जो कि भाई ट्यून्ड है ऑटो साइक से। और जो अपनी नेक्सोन ईवी मैक्स है भाई, वो है अपनी संभव भाई की। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। और सम्राट भाई की है रैपिड। मैं भी बढ़िया भाई। तो आज दोनों की ड्रैग कर रहे हैं। तो आपकी स्टेज वन है? ये स्टेज टू ECU है TVS का, और स्टेज टू प्लस TCU है ट्रांसमिशन का, वो भी TVS की। तो ये अराउंड प्रोड्यूस करती है 150 BHP, 310 NM टॉर्क और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है। और ये तो इलेक्ट्रिक है अपनी, 140 BHP निकालती है और 140 इसकी टॉप स्पीड है और 140 तक बहुत भागती है, लेकिन लॉन्च नहीं होती है। और ये DSG है तो ये भी लॉन्च नहीं होती है, इसमें DQ200 आता है तो DQ200 भी लॉन्च नहीं हो पाता है। बाकी मेरी वर्टस किसी न किसी तरीके से लॉन्च हो जाती है, पर मैंने ये ट्राई करके देखा रैपिड में, वही सेम मेथड, लेकिन ये नहीं हुई क्योंकि ये शायद डीजल है, इसका अलग होगा मैकेनिज्म, तो इस वजह से। तो क्या लग रहा है कौन सी गाड़ी जीतेगी? नेक्सोन ईवी मैक्स आराम से। तो करके देखते हैं, 140 तक की ही ड्रैग हो पाएगी इन दोनों की। और लॉन्च कोई भी नहीं होती है, इनिशियल में दोनों का थोड़ा सा लैग रहेगा, इसमें लैग रहेगा, लेकिन ये तो एक जैसे एक बार पकड़ेगी ना तो फिर पकड़ती ही चली जाएगी। इसमें नहीं ऐसे लग होता कि गियर शिफ्ट कर रही है, हाँ। ये तो खिंचती ही चली जाती है। गियर शिफ्टिंग का जो टाइम है ना, जिसमें दोनों, मतलब क्या होता है, अब जैसे इन्होंने रीमैप करा रखा है, इन्होंने अपने सेकंड्स कम कराए कि भाई जल्दी चेंज कर, इसमें वो सेकंड ही नहीं है। और मैंने है ना ये 0-100 करके देखा था अभी, स्टॉप वॉच लगा के, तो 8.7 में कर रही है ये 0-100। सही है। AC ऑन था उसमें, AC ऑफ करके और जाना जाता है, रेंज और पिकअप दोनों में। तो चलो करते हैं फिर इन दोनों की ड्रैग रेस स्टार्ट और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी जीतेगी। तो सम्राट भाई स्टार्टिंग से ही आपको एडवांटेज दे रहे हैं, ट्रैक्शन ऑफ कर लेना, स्पोर्ट्स मोड, AC ऑन। हाँ जी, ठीक है, हमारी में ट्रैक्शन आता ही नहीं, इसका ऑन रहता है भाई हमेशा, स्विच ऑफ करने का कोई स्विच दिया ही नहीं हुआ है। और ये देखो भाई, संभव भाई ने ले रखी है 21 लाख रुपए की नेक्सोन ईवी मैक्स। भाई 21 लाख रुपए की, मैं आज हैरान हो गया कसम से, मेरे को लगता रहा 14-15 लाख रुपए। 14-15 में तो टिगोर आती है, वो तो बेकार है, अब वो तो सही शक्ल से ही गंदी है। और इसका ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा ज्यादा ब्रेक दबाओ तो होगा, वो नहीं हो रहा ब्रो, एक बार दोबारा छोड़ के। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फिर दबाओ, अब हो गया गाड़ी स्टार्ट। और ये पता भी तो नहीं चलता है तो इसमें कि गाड़ी स्टार्ट है क्या है। लो भाई ड्राइव मोड पे आ गई है, AC हमारा ऑन है, AC ऑन है, ठीक है जी। और हैंड ब्रेक हम नीचे कर देते हैं और एक बार बेल्ट लगा लेते हैं, ट्रैक्शन तो इसमें आता नहीं। स्पोर्ट्स मोड ऑन है, ऑन है, ठीक है। सिटी ड्राइव, अब स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ओके जी। तो भाई सब करते हैं फर्स्ट राउंड स्टार्ट। एक बार मैं हॉर्न दबा के भाई को बोल देता हूँ कि रैपिड में ही दबाएंगे 3 हॉर्न, यहाँ से हॉर्न दबता हूँ। अच्छा, ये भी सिस्टम है, बीच का दबाओ, बहुत दम लगाना पड़ेगा, और यहाँ से जब दब जाता है, चलो स्टार्ट करो, 1, 2, 3। और ये हमारी मेट्रो सी चल चुकी। रैपिड का लॉन्च बहुत लेट हो गया है और हमारा शायद 3 से पहले हो गया, बट लैग तो था ही थोड़ा सा। देखो मीटर, देखो मीटर, मीटर तो मैंने दिखा चुका कि ये 140 पर जाएगी, 140 पहुंची। ये देखो भाई, अब ये इससे आगे जाएगी नहीं, लेकिन रैपिड आ भी नहीं पा रही, अब आ गई है, आ गई, ट्रैक खत्म हो गया ब्रो, आ गई, लेकिन आ गई, बहुत तेज आ रही है। आपका लॉन्च लेट हो गया था ना, और फिर एडवांटेज भी दे रखी है, तो क्या करें, और इससे ज्यादा एडवांटेज क्या दें? AC ऑफ कर लो, AC ऑफ करता हूं, ट्रैक्शन ऑफ रहता है, हां, ड्राइव पे क्यों, स्पोर्ट्स में कम भागती है क्या? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ड्राइव में ज्यादा भागती है, वो स्पोर्ट्स में क्या होता है, पूरे खींचे मारती है ना, गियर भी बदलना रहता है, ब्रेकिंग तो आगे नहीं बढ़ेगी, ड्राइव पे थोड़ा जल्दी काम, चलो ड्राइव पे करके देख लो, लेकिन हाई गियर पे ना, जब गाड़ी थोड़े बड़े गियर पे चढ़ जाए तो स्पीड कर लेना, लॉन्ग रूट में बढ़िया रहेगा आपका। और एक काम और करते हैं कि आप 3 पे निकलना, हम 4 पे निकलेंगे, ठीक है, मैं हॉर्न मार रहा हूँ। नहीं नहीं आवाज आएगी, हवा की आवाज आएगी, आएगी। बेल्ट लगा लेते हैं, नहीं तो हम एक बार कोशिश करनी, तो सिटी पे भगाए, तीन पे भाई ने निकाल ली, अब देखते हैं अब क्या रहेगा, अब पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी। चल भाई, ईवी अब रह गई, ईवी अब रह गई, अब रह गई, लॉन्चिंग भी तो है, हाँ, 140 लो। उसने क्या करा, वो हमने तब शुरू करी जब उसने पकड़ना चालू कर दी, अगर लैग में
हम खींच लेते ना तो लैग में तो आगे ही निकल जाएगी फिर लैग में, तो उसकी स्पेशलिटी लैग है ये कुछ ज्यादा एडवांटेज हो गई। अब एक काम करते हैं, एसी ऑन रखना, हम सिटी मोड में कर रहे हैं और आपका ड्राइव मोड एसी ऑन दोनों गाड़ियों का, ये फेयर होगा। ठीक है, फेयर तो वैसे ये भी नहीं है दो हम बैठे हैं। सो गाइज, हमने सिटी मोड लगा दिया है, ये देख सकते हो आप, सिटी लिखा आ गया है इसमें, स्पोर्ट्स हटा दिया, इसमें ड्राइव मोड रहेगा, एसी दोनों गाड़ियों में ऑन है, इसमें ट्रैक्शन ऑफ नहीं होता लेकिन उसमें ऑफ करवा रखा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड, 1 2 3। भाई ये क्या हो गया, चीटिंग, मर गई, स्पोर्ट्स लगा दिया। अब भी नहीं आएगी शायद वो पकड़ में, अब तो लैग वो ही हो गया ना, अब तो हाँ मतलब नहीं भाई स्पोर्ट्स में जीत सकती है, देखो अगर स्पोर्ट्स में करते हैं तो जीत सकती है, पकड़ ली है, लिमिट आ रहा है तो रुक जाएगी, तो पकड़ ली थी भाई। देखो फेयर रेस करेंगे ना तो ये जीतने ही नहीं देगी, बात सारी ये है, बात तो वही है ना सारी, सिटी में तो क्या ही चीज है, लेकिन अगर ऐसे सिटी मोड वगैरह में कर रहे हैं तो भाई ये रह जाती है, स्पोर्ट्स में बहुत भागती है लेकिन रेंज भी साथ में खराब होती है। मैं दिल्ली से गुड़गांव आया हूँ, मेरे को 50 किलोमीटर का रास्ता पड़ा और मैं पूरे 50 रुपए में आया हूँ, क्योंकि 8-8 घंटे चार्ज करेगा, नहीं तो फास्ट चार्जर जो पेट्रोल पंप पे होता है वैसे तो प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं, होता नहीं होता। हमने बीच में स्मोड भी लगा दिया था चीटिंग करके लेकिन नहीं पकड़वा रही, अगर फेयर रेस करेंगे तो ईवी जाएगी, लेकिन एडवांटेज देते ही तो फिर रैपिड नहीं जाने देगी, फिर 140 पे देख खत्म ही हो जाती है बेचारी। तो एंड ही करते हैं वीडियो को। तो भाई हमने लास्ट राउंड में चीटिंग भी करी लेकिन हम रह गए, लेकिन हमने एडवांटेज दी हुई थी, अगर बिल्कुल फेयर होती है तो भाई फिर ईवी है वो, तो मतलब रेस से पहले ही सबको पता ही है कि भाई ईवी कितनी ज़्यादा पंची होती है, कोई उसमें टाइमिंग ख़राब नहीं होती गियर शिफ्ट करने में, मतलब वो ऐसे ही चलती रहती है, भगाओ बस ऐसे ही है, उसमें टाइम लगता है गियर शिफ्ट करने में, बेशक DSG है बहुत क्विक शिफ्ट करता है लेकिन कुछ सेकंड तो लगते ही होंगे, खराब तो होते ही होंगे, वो सेकंड ही नहीं है ना इसमें, जो एलिमिनेशन दोनों गाड़ी की ट्यूनिंग में फ़र्क होता है ना, नई पुरानी कि सेकंड ज़्यादा कम इसमें है ही नहीं, मैंने पहले भी बोली है ही नहीं। तो यही थी ड्रैग रेस इन दोनों की अगर फेयर करोगे तो नेक्सॉन जीतेगी, अगर एडवांटेज देते तो भाई रैपिड जीतती है। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी आपके स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे और लाइक भी कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइज़।